मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर सरकार और किसानों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सीहोर में अब किसानों ने नए तरीके से सरकार का विरोध किया है। जी हां, यहां किसानों ने पेड़ पर चढ़कर जमकर घंटी बजाई। बता दें, भारी बारिश के चलते खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा देने और बीमा राशि देने की मांग को लेकर किसानों ने यहाँ तरीका आजमाया है। इस प्रदर्शन में सीहोर के रामाखेड़ी चंदेरी सहित करीब एक दर्जन गाँव के किसानों ने समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में सरकार द्वारा राहत राशि नहीं मिलने से आक्रोशित होकर अपना विरोध दर्ज करवाया और साथ ही भोपाल जाकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया। बता दें, सीहोर के कई गांवों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें रामाखेड़ी के ग्रामीण किसानों ने खराब हुई सोयाबीन की फसल का रावण बनाकर जलाया, तो वहीं ग्राम बिल्किसगंज के किसानों ने खराब हुई सोयाबीन की फसल में आग लगा दी। किसी गाँव के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली तो कहीं किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ऐसे सीहोर जिले के अलग अलग गाँव के किसानों द्वारा विगत एक महीने से आए दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं किसानों ने प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि उनको खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा व बीमा राशि दे। विगत एक महीने से किसान की सोयाबीन की फसल बेमौसम बरसात, अधिक पानी से, ओलावृष्टि से, कई पानी से बर्बाद हो गई फसल। इस बात की मांग को लेकर के कई गांव के किसान पहले पेड़ पे चढ़ के घंटियां बजाई, जल सत्याग्रहण करा, भोपाल जाकर के कमिश्नर को ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक ना तो कोई कृषि अधिकारी ना राजस्व अधिकारी मौके पर सर्वे करने नहीं आए। जिन जिन गाँव के किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोयाबीन की फसल पूरी बर्बाद हो गई। आज दशहरा का दिन है, मजबूर दुखी होकर के जब किसानों को कोई अधिकारी सर्वे करने, बीमा देने, राहत राशि देने नहीं आए, तो आज दशहरा का दिन ये रावण सोयाबीन की फसल काट के रावण बनाए, रावण दाह के दाह संस्कार कर रहे हैं। और यही सरकार से अपील कर रहे हैं कि अभी भी शासन प्रशासन से, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद हैं, हमारे मसीहा हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, उनसे मांग कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग कर रहे हैं कि किसान को खराब हुई सोयाबीन की RBC 6-4 के अंतर्गत राहत राशि दिलाई जाए, बीमा राशि दिलाई जाए और किसानों को सर्वे करके शीघ्र उनको मुआवजा दिया जाए।